कैसा लगा आपको ये मेकओवर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस मेकओवर में जो आप ये पेंटिंग फ्रेम देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपको लग रहा होगा ये किसी तरह का पोस्टर है या फिर पेपर पे कोई पेंटिंग है, पर ऐसा नहीं है। जानना चाहते हैं क्या है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही वो पेंटिंग फ्रेम है जिसको मुझे अपडेट करना है और इसका साइज़ करीब 4x2 फीट का है। यहाँ पर मैंने पेंटिंग को नीचे उतार लिया है और जो अब इसमें MDF का बैकबोर्ड है वो हमें अलग करना है। इसके लिए मुझे टेप निकालनी होगी, तो यहाँ पर मैंने टेप को निकाल दिया है। अब जो ये मेटल के पॉइंट्स लगे हैं इनको ऊपर की तरफ पुल करते हुए सभी पॉइंट्स को मैं खोल दूँगी, जिससे हमारा बैकबोर्ड ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने बैकबोर्ड निकाल लिया है। अब बाकी की चीज़ों को मैं हटा दूंगी और हमें सिर्फ बैकबोर्ड की ज़रूरत है। और यहाँ पर शुरू होती है हमारी क्रिएटिविटी। ये मेरा एक स्कार्फ है जो मैंने खरीदते टाइम तो सोचा था वाओ कितना अच्छा लग रहा है, इसमें जो वाइब्रेंट कलर्स हैं मुझे काफ़ी पसंद आए थे, बट जब मैंने इसे बाद में कैरी किया तो ये मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मुझे लगा शायद मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। बट इसमें जो पैटर्न बना है और जो इसके वाइब्रेंट कलर हैं वो देखने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं इसको और भी दूसरे तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड आई विल फ्रेम इट। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस पर आयरन कर लिया है ताकि इसमें जो भी सिलवटें हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये जो स्कार्फ है काफ़ी बड़ा है, इसमें इस तरीके के 2 फ्रेम तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है इन फ्यूचर मैं इसे किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें राउंड पैटर्न बना हुआ है पूरा, इसको इस तरीके से सिंगल फोल्ड करने के बाद इस तरीके का पैटर्न निकल के आता है। कुछ नहीं करना है, बस फ्रेम की लेंथ का सेंटर लेके इसको इस तरीके से सेट करके बैक साइड में टेप से सिक्योर कर दिया है। अब ये फ्रेम करने के लिए रेडी है और इसको अब हम फ्रेम में फिट करेंगे। ये रहा हमारा फ्रेम। अब जो इसका ग्लास है इसके ऊपर लगा देंगे और किसी साफ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि जो भी डस्ट है वो हट जाए, और जो बैकबोर्ड हमने तैयार किया है, जो आर्ट वर्क हमने तैयार किया है, उसको इसके ऊपर लगा देंगे और जो मेटल के क्लिप्स हैं उसको अच्छे से प्रेस करते हुए बैकबोर्ड को सिक्योर कर देंगे। जैसा कि आपने देखा पहले ये फ्रेम इस तरह से लैंडस्केप पोजीशन में लगा हुआ था, तो इस पैटर्न को आप इसी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने मेकओवर किया है, जिस मेकओवर में मुझे ये फ्रेम यूज़ करना है, वहाँ पर मैं इसे पोर्ट्रेट पोजीशन में लगाने वाली हूँ, तो जो इसमें हुक लगे हैं वो मुझे निकालने पड़ेंगे और उसको मैं पोर्ट्रेट पोजीशन के लिए सेट करूँगा। यहाँ पर मैंने हुक्स निकाल लिए हैं। हुक निकालने के बाद अब जो बैकबोर्ड और फ्रेम है उसको मैं फिर से टेप से जोड़ूंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्रेम है तो टेप लगाना ज़रूरी है, वरना हमारा फ्रेम टूट सकता है और इससे जो फैब्रिक दिख रहा है वो भी कवर हो जाएगा और जो ये मेटल की पिंस हैं वो भी कवर हो जाएंगी। और जिस तरह से मुझे फ्रेम वॉल पे लगाना है उस हिसाब से मैंने हुक्स को दोबारा फ्रेम पे लगा दिया है। और अब हमारा फ्रेम वॉल पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।